रेस टीम का सेट देखकर भड़के सलमान खान, काम करने के लिए रख दिए शर्तें। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान फिल्म रेस टीम को लेकर काफी उत्साहित हैं। वे न सिर्फ फिल्म के एक्टर हैं, बल्कि को प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी उनके खासम खास चेहरों से ही पटी पड़ी है। यहां तक कि फिल्म के निर्देशन की कमान भी अब्बास मस्तान को हटाकर रेमो डिसूजा को सौंप दी गई है। 9 नवंबर को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सलमान खान जैसे ही सेट पर पहुंचे भड़क गए। उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने चार शर्तें रख दी। पहली शर्त, सलमान खान ने साफ कर दिया है कि फिल्म में कोई बोल्ड सीन नहीं होगा। गौरतलब है कि फिल्म रेस और रेस दो में काफी इंटीमेट सीन थे। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस सलमान खान की पार्टनर के रूप में देखेंगी, लेकिन उनका कोई इंटीमेट सीन नहीं होगा। दूसरी शर्त, सलमान के कहने पर स्क्रिप्ट से उस सीन को हटाना पड़ा जिसमें वे ड्रग्स से डील करते नजर आते। उनका कहना है कि फिल्म बच्चे भी देखेंगे, इसलिए ऐसे सीन नहीं होने चाहिए। तीसरी शर्त, फिल्म में कॉमेडी होनी चाहिए। गौरतलब है कि रेस फ्रेंचाइज की पहली दो फिल्मों में अनिल कपूर के किरदार रॉबर्ट डिकोस्टा के कंधों पर कॉमेडी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यही वजह है कि तीसरी फिल्म में भी अनिल कपूर को लेने या उनके कैमियो की प्लानिंग चल रही है। चौथी शर्त, सलमान खान को फिल्म का सेट पसंद नहीं आया। उन्होंने डायरेक्टर रेमो डिसूजा को नसीहत दी है कि वह सेट को अपग्रेड करें, क्योंकि वह काफी भड़कीला है और आज के जमाने के दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। फिल्म रेस टीम में मुख्य किरदारों में सलमान को जैकलीन और बॉबी को डेजी के साथ रखा गया है। इसके अलावा फिल्म में साकिब सलीम, डेजी शाह, आदित्य पंचोली, पूजा हेगड़े और फ्रेडी दारूवाला भी नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म रेस टीम में सैफ अली खान का कैमियो होगा। वहीं नरगिस फाखरी और कटरीना कैफ का आइटम नंबर भी देखने को मिलेगा। साल 2018 में फिल्म रेस टीम की रिलीज के बाद सलमान खान दबंग टीन और भारत की शूटिंग साथ साथ शुरू करेंगे।